जैसा कि देखा जाए, अब कर रहे हैं बच्चों, 2011 में पेपर आया था ना पीटीआई का, वो कर रहे हैं। ठीक है, दो पेपर लगे थे, फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, उनमें से एक पेपर कर रहे हैं। वह यह परिभाषा किसने दी थी? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुत पेशी प्रतिक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। जे बी नेस ने बताया है कि बहुत सी, ये दिख रखा ना, बहुत सी पेशी प्रक्रियाओं का संबंध, जैसे पेशी आ गया, पेशी प्रक्रिया। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लक्षण हैं, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं व्यक्ति का संपूर्ण विकास। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? कौन सा है? मानसिक विकास है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है किसे? लोगों के आम स्वास्थ्य सुधारने में। शारीरिक शिक्षा गलत धारणा के की है, क्या है? व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, ये गलत धारणा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा किसे? स्वास्थ्य शिक्षा। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा कारक? लिखाई पढ़ाई शारीरिक सरकार पढ़ाई पर। खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से, आपसी तालमेल से। निम्न में से कौन सारी दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है? कौन नहीं करता है? शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना और पढ़ना। स्वस्थता वेलनेस का महत्व है किससे? एक अच्छे जीवन यापन में सहायता करना। निम्न में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? क्या है? खेल है। क्या है? खेल। किन्सोलॉजी का अध्ययन संबंधित है मानव क्रियाओं से, किसे? मानव क्रियाओं से। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं, किसे? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं। गति के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? न्यूटन ने। दूसरी श्रेणी के लीवर होते हैं, कैसे होते हैं? दूसरी श्रेणी प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच होता है, किसके? प्रतिरोधक आधार बल के बीच होता है। वो क्या होता है? बल के बीच बाहर होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं, तृतीयक उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक बढ़ाने के योग्य हैं, बल तथा गति दोनों हैं। प्रथम श्रेणी के बल तथा गति। संतुलन निर्भर करता है किस पर? वस्तु के जोड़े आधार पर। काइपोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं, क्या? गोल कमर कहते हैं। मेरुदंड में एक तरफ के मोड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस। एक तरफ मोड़ को स्कोलियोसिस कहते हैं। एब्रेजन की चोट होती है त्वचा की, किसकी? त्वचा की होती है। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार कौन सा है? बर्फ से उपचार है। हड्डियों टूटने पर तुरंत उपचार क्या उपचार है? क्या उपचार है? बर्फ से उपचार करें, बर्फ से उपचार करें। जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है कौन सा है? अच्छा व्यायाम कौन सा? सबसे वजन के साथ अधिक बैठक लगाना। ठीक है, पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है घुटने मोड़कर सिटअप लगाना है। मांसपेशियों के उस प्रकार को बनाए जो शरीर में गति करते समय सिकुड़न होती है। एगोनिस्ट कौन से थे? एगोनिस्ट। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न से प्रथम समूह कौन सा है? परिवार है। जल चिकित्सा का अर्थ है कौन सा है? पानी से उपचार है। ठीक है, निम्न से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? विस्फोटक शक्ति नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना कब की? 1926 में की थी। किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल में स्पर्धा भाग लिया था? 1980 में मास्को में भाग लिया था। पुरुष की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है? 20 20 मिनट। कबड्डी खेल में लोना के लिए
कितने अंक दिए जाते हैं? दो अंक दिए जाते हैं। कितने? दो अंक दिए जाते हैं। बास्केटबॉल में तीन अंक मैदान, तीन अंक मैदान गोल एरिया होता है, किसने डिलीट कर दिया गया। फुटबॉल का वजन कितना होता है? 396 से 453 ग्राम होता है। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की समाप्ति रेखा होती है 40 मीटर। गोल फेंकने के सेक्टर कौन होते हैं? 34.52 डिग्री। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल पास देने में दोनों हाथों की अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब से योगी खिलाड़ी खड़ा हो तो उसमें क्या आएगा? थोड़ी दूरी पर, हाँ थोड़ी दूरी पर। लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है टेबल टेनिस में किया जाता है। ओलंपिक खेल को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया जाता है। राष्ट्र के बीच स्वाधीन समझ और भाईचारे भाईवारों को बढ़ावा के निर्माण किया जाता है। यह राष्ट्रों के बीच स्वाधीन समझ और भाईचारे को बढ़ाने के लिए ओलंपिक झंडे पर पांच अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं, दुनिया की एकता दर्शाते हैं। क्या? दुनिया में एकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण ओलंपिक 2000 में किस के खेल हैं? सिडनी। कहाँ पे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000 में कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित है? 1992 में सम्मानित है। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किसका है? फुटबॉल का है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका का संबंध है किससे? विश्वविद्यालय से है। द्रोणाचार्य प्रारंभ किया गया 1985 में। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? उदय चंद्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय चंद्र। ओलंपिक झंडे में कितने रंग नहीं होते हैं? कितने? गुलाबी रंग नहीं होता। ठीक है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, काला होता है और लाल होता है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? महाकाव्य काल में। कब हुआ? महाकाव्य काल में। ठीक है, राजकुमारी अमरता कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई थी? पटियाला में। कहाँ पे? पटियाला में। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे? टॉक्सोस। कौन सा? टॉक्सोसोस। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था क्या? था गांव बनने वाला देवता। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की सर्वोत्तम प्राचार्य कौन था? SG बक। कौन थे? SG बक। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ की गई? 1954 प्रारंभ की गई। भारत ने दूसरी बार एशियन खेलों में कौन से वर्ष में कराए गए? कब कराए गए? 1982 में। ग्रीष्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीष्म का मुख्य उद्देश्य था क्या था? अच्छे योद्धा तैयार करना। प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित अवार्ड में कौन सा अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। ट्रनवेरियन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? लुडिंग जोन ने की थी। पेरेन पाई ने डी कुबर्टी नाम समझते हैं आधुनिक ओलंपिक से। जॉर्ज विलियन किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? 1844 में की थी। कंडीशनर और रिप्लेसमेंट थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। किसने? पावलोव द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह परिभाषा किसने दी कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है? किसने दिया? क्रुक्स और स्टे ने दी थी। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? कैसे होती है? आनुवांशिकता से। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन का संबंध है व्यवहार से। सिखलाई का नियम देता है कौन? देता है थोर्नडाइक। सिखाए। ठीक है, इस प्रकार की अभिप्रेरणा की सिखलाई में अधिक प्रभाव है आंतरिक अभिप्रेरणा में। लोगों को भिन्नता विद्यमान है। किसमें है? सभी व्यक्ति
व्यक्तित्व परिवर्तनशील में सबसे अच्छा आध्यात्मिक ढंग कौन सा है? दो तरफा सक्रियता, दो तरफ सक्रियता। कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है किस प्रकार? सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। इनमें से कौन सा उत्तम प्रस्तुत ढंग है? कौन सा है? प्रदर्शन। पाठ योजना की परिभाषा, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बहुत विविधपूर्ण और संबंधित होनी चाहिए। पाठ योजना का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु पर ध्यान, इस पर विषय वस्तु पर ध्यान। सर्वदर्शनीय साधन अध्यापक की सहायता करता है, यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। जिन मास्टर कला का उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है, सहायक सामग्री तथा उपकरणों के सही प्रयोग से निरीक्षण समझा जाता है, समझ अवलोकन की अनुभूति से, समझ अवलोकन की अनुभूति से। 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली में तीसरा और चौथा स्थान निकालने में कितने मैच होंगे? 15 मैच होंगे, तीसरा और चौथा मैच निकालेंगे। 10 टीमों में डबल लीग प्रणाली का कुल कितने मैच होंगे? 90 मैच होंगे। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है किससे है? त्रुटि ढूंढना और सुधार करना। कुशल योजना प्रारंभ होती है किससे होती है? कक्षा पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्ष्य है क्या है? नियमों का ज्ञान। पाठ लेख परीक्षण बढ़ाता है, सहनशीलता बढ़ाता है, क्या? सहनशीलता बढ़ाता है, आगे जाता है। दीवार को धकेलना उदाहरण है आइसोमेट्रिक व्यायाम। निम्न से कौन सा कम से कम परिश्रम है? गति है। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? इसका विस्फोटक ताकत का होता है। लिबर्डिंग डाउन कब करते हैं? खेल के पश्चात करते हैं। लीड अप गेम सहायक है किससे है? मनोरंजन उपलब्ध कराना व कला बढ़ाना। कौन से परीक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनएरोबिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? अंतराल परीक्षण में। हृदय की दाहिने आलिन सिरक बहता है इसे फुफ्सने ध्वनि से। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है शरीर क्रिया विज्ञान से, किसे? शरीर क्रिया विज्ञान से, आगे जाते हैं। निम्न में से विटामिन को सूरज की किरणों में प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन डी से, किससे? विटामिन डी से। अस्थियों के कार्य हैं किससे? सुरक्षा प्रदान करना। पाचन ग्रंथि शरीर किस तरफ होती है? पूरी तरफ बाई तरफ होती है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टियोलॉजी कहते हैं। बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है किससे उपयुक्त? सभी। फ्लेक्शन एक्सेशन रोटेशन सर्कमडक्शन हाइपरडक्शन। बड़ी मांसपेशियां हैं कौन सी है? बड़ी मांसपेशी ग्लूटिस मैक्सिमस है। टेलर मांसपेशी है किसे? सार्टियस। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? 40%। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय है नाभिका में, किसके? नाभिका में। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर दबाव क्या कहलाता है? घटता है। मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करता है आकृति, क्या प्रदान करता है? आकृति। आगे देखते हैं व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्था पर क्या प्रभाव डालता है? क्या डालता है? उपयुक्त सभी। स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि, कोलेस्ट्रोल के स्तर में कमी, उपयुक्त सभी। एक ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी होती है? 4 कैलोरी। द्वितीयक वायु लक्षण होता है कौन सा होता है? उपयुक्त सभी। द्वितीयक वायु लक्षण होते हैं उपयुक्त सभी कौन कौन सा? सिर में दर्द होना, त्वचा का पीला होना, यदि सेकंड मेड है वायु सेकंड वायु, छाती मांसपेशियों में दर्द, उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था? ए वी हील ने किया था। एड्स किसके माध्यम से संचालित होता है? ये नहीं, शरीर की टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए
क्या आवश्यकता है? प्रोटीन। मनोरंजन क्रियात्मक कमों के उद्देश्य है कोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती है? कौन सी नहीं मानती? योगासन करना। खेल की वह परिभाषा किसने दी? खेल एक स्वैच्छिक उद्यम के द्वारा की जाने वाली गति है। किसने? उनके द्वारा। खेल को माना जाता है उद्देश्य रहित क्रिया। क्या माना जाता है? उद्देश्य रहित क्रिया। नहीं, व्यापार माना जाता है उद्देश्य रहित क्रिया। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं देता है? धूप से करना नहीं देता है। आम लोगों के किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? प्राकृतिक कैंप। कैंप खेल अनुकूलन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कैंप प्रतिभागियों के होने चाहिए। कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है? यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। नेतागिरी के गुण प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन है कैंप का प्रबंधन करने से। निम्न से एक अच्छे नेता के गुण कौन से हैं? कौन से अच्छे नेता के गुण? ए, वह एक अन्य शासन होना चाहिए, अनन्य शासक होना चाहिए। योग आसनों द्वारा निम्न से निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य कौन सा घटक एक अच्छा विकसित होता है? लचीलापन। स्वासन लाभदायक है। एक सुशीलता प्रदान करना, शिथिलता। आगे चलते हैं। योग सूत्र के लेखक किसने? पतंजलि है। निम्न से कौन सा प्राणायाम नहीं है? कौन सा नहीं है? कुंजल। रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आसन है? स्वासन। आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है? हठ योग के अंतर्गत आता है। भुजंगासन किस बीमारी में लाभदायक है? दमा में। निम्न से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है? सर्वासन। भारत में कैंप लगाने का सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? बसंत ऋतु। भारत के सबसे प्रथम इस संस्थान ने मनोरंजन में MA डिग्री प्रारंभ की गई है? किसने की थी? LNIP ग्वालियर ने की थी। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम ये यूनिट पूरी कंप्लीट हुई। पार्ट नंबर 11 था, 12 था, ठीक है। धन्यवाद।